आदाब नाज़रीन, रात 12 बजे के उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बजट से मुल्क के हर आम और ख़ास की उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं। हुकूमत भी इन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल जाने माने माहरीन इक्तिसादियात और मुख्तलिफ शोबों के सनअतकारों से नीति आयोग में मुलाकात की। मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की मईशत बनाने के हदफ को हासिल करने के लिए सभी से मजबूती के साथ कोशिश करने की अपील की। दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पार्टी लीडरों के साथ मीटिंग की। यह मीटिंग बजट से कबल मशावरात के लिए हुई है। इस मौके पर बीजेपी के अबूरी सदर जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह और मोर्चे के दीगर लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद अरुण सिंह ने कहा कि इस मीटिंग में बजट के खाके पर बातचीत की गई। अगली खबर, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद भारत में अमरीकी सफीर कैंथ आइजस्टर समेत 16 ममालिक के सिफारतकार मौजूदा सूरत हाल के तजिए के लिए श्रीनगर पहुंचे। सिफारतकारों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर, जीसीए मरमो और सिविल सोसाइटी के अरकान के साथ मुलाकात की। सिफारतकारों पर मुश्तमिल इस वफ में अमरीका के साथ साथ बांग्लादेश, वियतनाम, नॉर्वे, मालदीव, मराकश और नाइजीरिया के सिफारतकार शामिल रहे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान ये नुमाइंदा वफ दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेगा, जिनमें सबका पीडीपी बीजेपी इत्तेहादी हुकूमत के मुताबिक शामिल हैं। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा है कि गैर मुल्की सिफारतकारों के जम्मू कश्मीर के दौरे का अहतमाम भारतीय हुकूमत ने किया है। उन्होंने कहा कि दौरे का मकसद जम्मू कश्मीर में इंतजामिया के जरिए किए गए इकदाम और वहां के मौजूदा हालात से उन्हें वाकिफ कराना है, जो अब मामूल पर हैं। फौज के सरबराह मनोज मुकुंद नरवाने कल सियाचिन के दौरे पर पहुंचे। ओहदा संभालने के बाद उनका यह पहला दौरा है। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने सियाचिन जंगी यादगार जाकर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनकी तरजीह मुश्किल हालात में काम करने वाले फौजियों की मदद है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दाइश के 3 दहशतगर्दों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। तीनों दहशतगर्दों की गिरफ्तारी एक तसादुम के बाद वजीराबाद इलाके से हुई। इन दहशतगर्दों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। ये तीनों दिल्ली में किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस तीनों दहशतगर्दों से पूछताछ कर रही है। और मुंबई के इंतहाई मतलूब सरगना एजाज लकड़ावाला को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। एजाज के खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज हैं। उसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है। इससे पहले मुंबई क्राइम ब्रांच के जबरन वसूली मुखालिफ सेल एईसी ने एजाज लकड़ावाला की बेटी सोनिया लकड़ावाला को जबरन वसूली के ही दूसरे मामले में गिरफ्तार किया था। वो अपने बाप के कहने पर बांद्रा के एक बिल्डर से रंगदारी वसूल करने के लिए धमकी दे रही थी। निर्भया इज्तमाही इस्मतदरी के कसूरवार विनय कुमार ने अदालत उज़्मा में क्यूरेटिव अर्जी दायर की है। दिल्ली की अदालत ने 7 जनवरी को 4 कसूरवारों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करते हुए उन्हें 22 जनवरी को फांसी दिए जाने का हुक्म सुनाया था। दिल्ली बीजेपी ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर अपनी इंतखाबी मुहिम को रफ्तार दी है। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी, राज्यसभा रुकन विजय गोयल और रुकन पार्लियामान मीनाक्षी लेखी समेत बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनों ने मोटरसाइकिल रैली में शिरकत की। उधर आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुज़िश्ता 5 वर्षों में दिल्ली हुकूमत के कामकाज का हिसाब दिया। उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली हुकूमत के तरक्याती कामों की सदाइश की और कहा कि आम आदमी पार्टी की क़यादत में दिल्ली 5 वर्षों से मुसलसल मुनाफे में रही है। खेल की खबरों में भारतीय खातून बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। साइना ने दूसरे दौर के मुकाबले में कोरिया की एन सी यंग को सीधे गेम्स में शिकस्त दी। साइना ने मुकाबले को 39 मिनट में 25-23, 21-12 से अपने नाम किया। वहीं पीवी संधू ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। संधू ने दूसरे दौर के मैच में जापान की आया ओहारी को 21-10, 21-15 से शिकस्त दी। नाजरीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।